गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आपको सबको पता है रॉयल एनफील्ड में सबसे जो सेलिंग बाइक्स हैं वो मीटियोर है और क्लासिक है। तो उसके बाद अभी एक नया मोटरसाइकिल आ गया है जो कि आप सबको पता है, उसका नाम है हंटर 350। और आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे हंटर 350 के रेट्रो और मेट्रो वर्जन। और ये है हमारा मेट्रो वर्जन और यहाँ पर है रेट्रो वर्जन। आपको फ्रंट में जो है वो हैलोजन हेडलाइट्स मिल जाएंगे, ये देख सकते हो, जो कि रॉयल एनफील्ड का सबसे फेवरेट है हैलोजन हेडलाइट्स। और यहाँ पे टर्न इंडिकेटर आपको मिल जाएंगे, वो भी हैलोजन में ही मिलेंगे। 17 इंचेस के टायर मिलते हैं और फ्रंट में भी ABS है, बैक में ABS है, जो कि इसका ये वाला मेट्रो वर्जन है। मेट्रो में आपको डुअल चैनल ABS मिलता है और रेट्रो में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है। एंड इसमें यहाँ पे आप दिखा दूँ आपको, यहाँ पे एक बड़ा डिस्प्ले मिल जाता है ये वाला, वेट यहाँ पे आपको ट्रिप मिल जाएगा और फ्यूल मिल जाएगा, टाइम मिलेगा और गियर्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको न्यूट्रल इंडिकेटर्स वगैरह सब ये दिखा देता है। यहाँ पे आपको हैजर्ड लाइट्स मिल जाएंगे ये वाला, वेट मैं दिखा लेता हूँ आपको, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ मेट्रो में मिलता है, रेट्रो में इसका नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको बार एंड मिरर्स भी दिया गया इसमें। और आप इसमें यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें आपको ये नॉर्मल मिरर दिखा रहा था ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखा लेता हूँ, यहाँ पे आपको 13 लीटर का टैंक दोनों वेरिएंट्स में मिल जाता है। इसमें भी 13 मिलता है और इसमें भी 13 मिल जाता है। और एक्सपेक्टेड माइलेज आप देख सकते हो समथिंग अराउंड 35 ऐसे दिखाता है, बट आप चलाने के बाद, आपको सर्विसिंग के बाद आपको सही माइलेज दिख जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका सीट जो है थोड़ा कॉम्पैक्टेड है, मतलब आप जो भी है ना, क्या नाम है उसका, मीटियोर है और क्लासिक वगैरह, उनके सीट थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है। और बाकी इसने मतलब रॉयल एनफील्ड ने जो बनाया है इसको कॉम्पैक्ट डिज़ाइन बनाया है। और इसका आप ये देख सकते हो ग्रैब रेल जो है ना वो ऐसा दिया है नया डिज़ाइन के साथ। और यहाँ पे आपको पीछे भी ये LED टेल लाइट मिल जाएगा और यहाँ पे हैलोजन इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको एक टेल टाइडी मिलता है जो कि रॉयल एनफील्ड की तरफ से मिलता है, जो कि इसको आप एडजस्ट करके थोड़ा छोटा बना सकते हो, जो कि थोड़ा स्पोर्टियर लुक देता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखा दूँ 31370 का मतलब आपको व्हील बेस मिल जाता है इसमें। और यहाँ की बात करूँ मैं आपसे, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 349 cc का इंजन और जो कि 20 हॉर्स पावर एंड 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क के साथ ये आपको बाइक मिल जाती है। और यहाँ पे आपको एयर कूल्ड इंजन भी मिल जाता है। और फ्रंट में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, ये आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ मिल जाएगा। एंड आपको ये 17 इंचेस के टायर्स, और आपको जैसे सबको पता है कि मेट्रो वर्जन में आपको डुअल चैनल ABS मिलता है, जो कि सेफ्टी पर्पज़ के लिए सबसे बेस्ट होता है, आप सबको पता है। मैं आपको इसमें बैठ के दिखा सकता हूँ कि मेरा जो हाइट है वो 5'9" है। एंड आपको मैं बैठने के बाद दिखा दूँगा कि इसमें जो बैठोगे तो आपको ऐसा क्या लगेगा कि आपको ये लेना चाहिए, मतलब देख सकते हो। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से दिखाऊं तो ऐसा दिखता है। और ये हैंडल बार आप ऐसे पकड़ोगे, आप बैठोगे स्ट्रेट, मैं दिखा देता हूँ, आप स्ट्रेट बैठोगे आराम से और ये हैंडल बार को आप ऐसे पकड़ोगे। ये बार एंड मिरर ना मुझे पर्सनली पसंद है, तो मैं भी अपनी बाइक जो है ना R15 V3 उसमें भी मैं अपनी बार एंड मिरर्स लगाने का सोच रहा हूँ, तो वो कैसा होगा आप थोड़ा कॉमेंट बताना। और ये रहा डिजिटल मीटर्स, यहाँ पे इसको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, इंडिकेटर भी ऑफ कर दिया। और यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, जो कि ये जो मीटर है ये आपको सेम स्क्रैम 411 और मीटियोर 350 में भी मिल जाता था, सेम ही है। और यहाँ पे आपको देख सकते हो ये पास लाइट है, ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, नीचे हॉर्न है और क्लच जो है वो भी थोड़ा बहुत सही है यार। इसमें आपको स्लीपर क्लच मिलेगा तो वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते ना, तो यहाँ पे आपको क्लच जो है ये सही है, मतलब फंक्शन भी सही कर रहा है और इसको चलाने के बाद भी आपके हिसाब से वो सेट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही आपको दिखाया मैंने, ये डिस्क ब्रेक के साथ ये है। और मैं जो आपको दिखा दूँ इसमें, जो आप अगर बैठते हो गाड़ी में
तो आपका जो पैर है वो पैरेलल रहता है, मैं दिखाता हूँ ऐसे। वो मीटियोर जो था वहाँ पे आप पैर इधर रखते थे, इधर ऐसे, और ना तो ये ज़्यादा पीछे ना ही ज़्यादा आगे है, तो आपको चलाने में दिक्कत नहीं होने वाली। और इसके हैंडल बार्स भी पूरे स्ट्रेट हैं, सो नो टेंशन वाइल राइडिंग द बाइक। अब आ जाते हैं इसके रेट्रो वर्जन पे। रेट्रो वर्जन में आपको मिल जाएगा यहाँ पे ये रेक्टेंगल इंडिकेटर और पीछे एलईडी टेल लाइट, एंड आपको सेम 17 इंच के टायर। बट यहाँ पे आपको जो मिलता है वो है स्पोक व्हील्स, ठीक। लेकिन मेट्रो में आपको था एलॉय व्हील और स्पोक व्हील्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको डुअल चैनल एबीएस नहीं मिलता है, यहाँ पे सिर्फ आपको सिंगल चैनल एबीएस मिलता है। और यहाँ पे भी आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएगा। और फ्रंट के देखेंगे आप तो वहाँ पे भी आपको फ्रंट में हैलोजन हेडलाइट्स एंड टर्न इंडिकेटर्स, वो आपको भी हैलोजन का मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको रेक्टेंगल साइज का दिया है। और सेम 17 इंचेस के टायर्स। और साइड बेस के देखेंगे तो आपको ऐसा दिखाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ और दिया गया जो कि ये है, आपको बैठने के टाइम आपको थोड़ा आपको डर नहीं लगेगा कि आप पीछे नहीं गिर जाओगे। और आपको यहाँ पे देखोगे आपको कंप्लीट डिजिटल नहीं मिलता है, सारे डिटेल्स इसमें आपको नहीं मिलेंगे जैसे वो आपको मेट्रो में था। यहाँ पे आपको देख सकते हो बस ये सारा दिया है। ऑफ कोर्स लोअर वेरिएंट है तो हर चीज़ मिलेगा आपको, ये तो कंपलसरी भी नहीं है ना। आपको जो इसका एग्जॉस्ट मिल जाएगा वो छोटा सा एग्जॉस्ट मिलेगा, और इसको जो स्पोर्टी लुक बनाने के लिए इसमें क्रोम फिनिश नहीं दिया गया है, और ये इतना ही है। और इसमें यहाँ पे आपको ट्यूबलेस टायर्स रेट्रो में भी और मेट्रो में भी दोनों में ट्यूबलेस टायर आपको मिल जाएंगे। और इसमें आपको रॉयल इनफील्ड ने एक अच्छा सा फीचर दिया है जो कि है USB चार्जर। ये यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ आपको, ये रहा, एक मिनट में इधर से दिखाता हूँ आपको, दिख जाएगा, ये रहा। यहाँ पे आपको USB चार्जर मिल गया है, और इसको आप कवर करोगे देन वो वाटरप्रूफ होगा, और खोल के रखोगे तो ऑफकोर्स उसमें पानी घुसेगा देन वो ख़राब हो सकता है। और आपका इस आपको दिखाऊँ इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है ना वो 150 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, बहुत ज़्यादा कम है, और आपको इसको देख कर चलाना पड़ेगा। एंड इसमें आपको स्पोर्टी लुक देने के लिए एलॉय व्हील्स दिए हैं, और इसमें आप देख सकते हो स्पोक व्हील्स, स्पोकी स्पोकी। यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने एक ये वाला बाइक जो निकाला है, इसका वेट आपको कितना लगता है, कितना हो सकता है? मैं तो दोनों टांगे ऐसे नीचे करके बैठ सकता हूँ आराम से बैठ सकता हूँ। तो आपको और आपको इसका वेट बता देंगे देन वो 180 kg के समथिंग अराउंड है। अभी आपको इसका एग्जॉस्ट नोट्स सुना सकता हूँ, ये अभी करते हैं इग्निशन। बैकफायर भी मार रही है ब्रो, बैकफायर भी लग रहा है इसमें तो। और आप इसमें देख सकते हो आपको ये भी मिला हुआ है, सारी चीज़ें इसमें दिए गए हैं। और आपको पता है इसका नाम ही हंटर दिया गया, तो इसका आवाज़ भी वैसे ही हंटर के जैसे होना चाहिए ना, ताकि वो रोड पे किसी को हंट कर सके। जस्ट किडिंग ब्रो। और आपको इसका ऑन रोड प्राइस बता देंगे, ये आपका जो मेट्रो वर्जन है इसमें आपको 197 ऑन रोड आ रहा है, और ये जो रेट्रो वाला वर्जन है इसको आपको 177K देना पड़ेगा, जो कि 20,000 का डिफरेंस आपको मिल जाएगा इसमें। स्क्रैम 411 के बाद उन्होंने निकाला हंटर। क्यों निकाला? क्योंकि उनको ना एक चाहिए हुआ था एक कॉम्पैक्ट डिज़ाइन जो कि कैफे रेसर की तरह हो जाए, और एक बजट फ्रेंडली बाइक। तो आप हंटर 350 को देख सकते हो, बजट के हिसाब से सही बाइक है। तो इसके टॉप स्पीड के बारे में देखेंगे तो टॉप स्पीड लोगों ने बताया कि 120 के करीब जाता है, और 100 km/h में आपको क्रूजिंग स्पीड मिल जाता है। बाकी आप ले लो, आप चलाने के बाद हमको बता सकते हो कितना टॉप स्पीड है। और आपको अगर दोनों में से कोई भी गाड़ी लेना है देन आपको सारे कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड आपको अगर EMI वगैरह कैश वगैरह कुछ भी डिटेल्स पूछना है तो सारी डिटेल्स के वगैरह नंबर जो सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक इंटरेस्टिंग ऑफ़र आपके साथ में यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, जो कि ये वाला जो है ना आपको रेट्रो वर्जन, इसको अगर आपको लेना है देन आप 4,999 देकर इसे घर ले सकते हो। और EMI जो इसका होगा वो 72 months के लिए होगा, 72 months, उससे नीचे भी कर सकते हो, लेकिन जो सबसे लोएस्ट है ना वो 72 months के लिए होगा। और आपको EMI आ जाएंगे 3,113 for 72 months,
बट आप 5,000 देकर ये गाड़ी घर से ले सकते हो इजीली। और अगर सारी डिटेल्स के बारे में पूछना है एग्जैक्टली, तो आप डिटेल्स नीचे दिए गए हैं, कांटेक्ट करो शोरूम वाले को और बुक करो और ले जाओ। और ये वाला जो स्कीम है आपको सिर्फ और सिर्फ रेट्रो में मिलेगा, नेट्रो नहीं होता वो, रेट्रो में मिलेगा, और आपको मेट्रो में वो वाला स्कीम नहीं मिलता है। तो आपको दोनों में से कोई भी गाड़ी लेना है तो आप कांटेक्ट करो शोरूम वाले को और बुक करो, देन आप ले जाओ। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक शेयर कर देना जिसको हंटर 350 के बारे में नहीं पता, क्योंकि ये गाड़ी सबको पसंद आने वाली है इंडिया में।